আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আলহামদুলিল্লাহ মে খায়ের খরিয়েছি হো তো অমৃতকা তো বাপ সাবি খায়ের অফিসার সে হোগে তোমাদের ইয়ে আম বানানে বারে হ্যাঁ আজ বুন্দি কে লড্ডু তো ইয়ে মেনে লিয়া হ্যাঁ আধা কিলো বেসন ওর ইসে হিসাব সে আম আপনি দূসরি চিজে লে গে আম আপকো বতা গে ইসকা হাম ইয়ে ইসকো হাল করতে হবে পহলে থোড়া পানি ডালে গে তাকে জ্যাদা না হো যায় और धीरे धीरे इसमें पानी डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। इसी तरह हम इसको सही तरीके से हलाते सर्व कर लेंगे। सही हमारा बेसन अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। इसको उस वक्त न टूटे, ये सही हो चुका है, बिल्कुल सही हो चुका है। आधा किलो हमने ये बेसन लिया है और इसी हिसाब से हम लेंगे चीनी और इसकी चाशनी तैयार करेंगे। तो उस वक्त तक हम चीनी चाशनी तैयार करके और 10 मिनट के लिए इसको पड़ा रहने देंगे। आधा किलो ये हमारी चीनी है, अब हम इसकी चाशनी तैयार कर रहे हैं। इतना ही हम इसके अंदर पानी डालेंगे, इसको लाए रखोगे आधा किलो हम पानी लेंगे। इसमें लाए रखना है निकल ना। चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है, तो अब हम निकालते हैं बूंदियाँ। तो ये सही बूंदियाँ बन गया, लेकिन इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस नॉर्मल सा इसको गर्म करेंगे और जल्द ही हम इसको निकाल देंगे। माशाल्लाह इसका बहुत ही अच्छा हिस्सा इस बनाए। तो ये हो गया रेडी, हम अभी इसको निकाल लेते हैं। इसको कुरकुरा रहे हैं वो देना, जल्दी से इसको निकाल लेंगे। तो बहुत ही अच्छी बनी है ये। अब हम इसको चाशनी हमारी रेडी है, और इसमें डालते हैं बूंदियाँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इस तरह हम इसमें डाल लेंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। ये देखिए, ये अब हम सही तरह इसमें चाशनी मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए इसको दम पे छोड़ देंगे। तो ये हम इसमें डालते हैं देखिए, तो ये ठंडा होने पर लड्डू, तो ये ठंडा होने पर बाइंड कर लेंगे इसको। नाज़रीन हम इनको अब लड्डू को बाइंड कर लेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये बहुत ही प्यारा सा साइज़ बनाएंगे। देखिए बूंदी का लड्डू तैयार हो गया। इसी तरह ही हम ये सारे बना लेंगे।
देखती हूँ कि आपको कैसा लगा। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। और फिर मिलेंगे नई वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।